नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। खबर राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई है। आपको बताएं कि लालू प्रसाद यादव की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसे में कल हमने वो तस्वीरें देखी कि किस तरह से डॉक्टरों की टीम ने लालू प्रसाद यादव को इको जांच के लिए ले गए और साथ ही साथ कई तरह के टेस्ट भी करवाए गए हैं। ऐसे में अब एक और अपडेट सामने आई है और हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कौन कौन से जांच करवाए गए हैं और उसके रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है। क्योंकि अगर बात करें तो चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और साथ ही साथ 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। कई तरह की बीमारियों से लालू प्रसाद यादव जूझ रहे हैं और यही वजह है कि डॉक्टरों की विशेष निगरानी में लालू प्रसाद यादव को रखा गया है। बता दें कि चारा घोटाला के मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मंगलवार को रिम्स के पेइंग वार्ड से बाहर निकले। डोरंडा कोषागार से पैसे की निकासी के मामले में सजा के ऐलान के बाद लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई थी। इसको लेकर मंगलवार को उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए चिकित्सकों की ओर से अलग अलग जांच कराई गई। बता दें कि इसमें ECG इको की जांच की गई। लालू यादव के दांत में भी परेशानी हो गई है, चिकित्सकों ने इसकी भी जांच की है। बता दें कि मंगलवार दोपहर 12:30 बजे लालू प्रसाद यादव को पेइंग वार्ड से इको जांच सेंटर में ले जाया गया और यहां ECG जांच किया गया है। इसके बाद दांत की जांच के लिए वह डेंटल हॉस्पिटल भी गए और लगातार जो आगे की जांच है वो की जा रही है। ऐसे में बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की जांच एक दिन पहले ही करानी थी, लेकिन कोर्ट में सुनवाई की वजह से यह जांच एक दिन बाद कराई गई है। इसके साथ ही इको और ECG जांच रिपोर्ट आ गई है और सब कुछ ठीक है। दांत का एक्सरे लिया गया है, इसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जांच के बाद लालू यादव को वापस उनके पेइंग वार्ड में भेज दिया गया है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। तो बता दें कि लालू प्रसाद यादव की जो सेहत है और जो जांच रिपोर्ट है उसमें सब कुछ ठीक ठाक आया है। सिर्फ और सिर्फ दांत को लेकर जो जांच की गई थी इसके रिपोर्ट अभी आने बाकी है। ऐसे में बात अगर लालू प्रसाद यादव की करें तो 19 तरह की बीमारियों से इस वक्त लालू प्रसाद यादव जूझ रहे हैं और यही वजह है कि कई तरह की मुश्किलों का सामना लालू प्रसाद यादव को करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरह से 5 साल की सजा लालू प्रसाद यादव को सुनाई गई है, इसके बाद लालू प्रसाद यादव काफी ज्यादा हताश और निराश भी नजर आ रहे हैं। लालू परिवार में भी जो दुख का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि लगातार बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बेवजह लालू प्रसाद यादव को घसीटा जा रहा है, उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद दबाव में आकर कोर्ट की तरफ से ये फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने तो CBI के जांच रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो रांची से लगातार जो अपडेट है वो निकलकर सामने आ रही है, जिसमें अब लालू प्रसाद यादव के डॉक्टरों ने कई तरह की जांच करवाई है और जांच के बाद फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आया है उसमें सब कुछ ठीक बताया जा रहा है। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।